फॉर वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। राज्य में बने हालातों की समीक्षा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान कठुआ मुख्यालय में प्रशासनिक पुलिस एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ADGP लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान ने कहा कि जम्मू और कश्मीर जोन में हालात सामान्य है, एहतियातन नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया है, सोशल मीडिया पर कुछ गलत अफवाहें ना हो इसके मकसद से मोबाइल इंटरनेट भी बंद किया गया है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुनीर खान ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता, बहरहाल सुरक्षा बल सेना इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा है कि पहले मैं जम्मू जोन की बात करता हूँ। जम्मू जोन में हालात बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। कश्मीर में भी हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। जो ज़रूरी इकदाम लेने हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पीस ख़राब ना हो, लाइन ऑर्डर ठीक रहे, वो लिए जा रहे हैं। सर अभी क्या देख रहे हैं इसमें ट्रेन सिचुएशन है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में 144 को विड्रॉ किया गया और कुछ एरियाज में अभी भी रिस्ट्रिक्शन का। बिल्कुल, जहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जोनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि हालात ठीक हैं और हम 144 ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ ज़रूर वैसे इकदाम लिए जाएंगे। अगर दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ी फिर लगा देंगे। ये तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हटा ली दोबारा नहीं लगा सकता, या एक दफ़ा लगा ली फिर हटा नहीं जा सकते। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको अभी, आप में से कोई मुझे पूछ रहा था इंटरनेट वगैरह की बात, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हर वो इकदाम जो पीस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो लिया जाएगा। उसमें इंटरनेट का मिसयूज़ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और सोशल मीडिया पे आपने देखा किस तरह अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे पीस पे असर पड़ता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इकदाम लिए जाते हैं। आज आपने खुद देखा कि पंजाब केसरी अखबार ने एक कितनी बड़ी झूठी खबर लगा दी थी। अगर उसका रिवर्टल उसी वक्त ना किया जाता या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों तक ना पहुँचती, जाके उनको नहीं समझाती, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया था। और उसके खिलाफ हमने FIR भी दिया है, FIR नंबर 164 पुलिस स्टेशन सांबा, एंड दैट रिपोर्टर विल बी अरेस्टेड। सर किसी एनी सोशल मीडिया पे अगर इस प्रकार की कुछ स्पेकुलेशन या रूमर्स आते हैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन, उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी जो कानूनन जायज होगा। डिटेन भी किया गया कुछ नेताओं को, सर नजरबंद किया लोकल लोकल, हाँ लोकल नेता बिल्कुल बिल्कुल घर पे रखा है ताकि वो बाहर आके हालात को खराब ना करें। हालात ठीक रहेंगे वो भी छूट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सर टुडे इज फ्राइडे एंड कश्मीर में कुछ इनपुट्स हैं कि शायद कुछ ऐसा ना हो पता। देखिए वहाँ कश्मीर में इंतजामात बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल इफेक्टिव हैं, होपफुली एवरीथिंग विल पास ऑफ पीस। थैंक यू सर। 15 अगस्त के किस तरह से सिक्योरिटी के? 15 अगस्त फर्स्ट क्लास है, पार्टिसिपेट करेंगे लोग और करना चाहिए आके। सिक्योरिटी के जो ज़रूरी इकदाम हैं वो आज से शुरू हो गए हैं और बिल्कुल पूरा इंतजाम होगा उसका। 144 लगी हुई है जहाँ, क्या वहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए वो अभी वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अगर पहले ही छलांग मारेंगे तो दरिया में गिर जाएंगे, तो अभी रुक जाओ आप, अभी उसमें टाइम है थोड़ा। सर क्रॉस द बॉर्डर पे भी कुछ थ्रेट्स हैं, जैसे अभी पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे कब थ्रेट नहीं थी, पाकिस्तान तो लगा अपनी कार्रवाई करने में, ज़्यादा बढ़ गया सर। नहीं नहीं, वो इसलिए पाकिस्तान सोचेगा कुछ करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमारी सारी इतनी फौज है, सारे तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अलर्ट इंडिया न्यूज़।